हेलो एवरीवन, विमला वेज किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, और ये गुलाब जामुन खाने में बहुत अच्छी लगती है, बनने में बहुत ईजी है। तो दो पैकेट यहाँ पे देख सकते हैं हमने गुलाब जामुन के ले लिए हैं, और अब लिए एक थाली। तो इसके जो पैकेट को कट करके इसमें जो पाउडर है थाली के अंदर निकाल लेंगे। कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे या फिर कोई मेहमान आ जाए अचानक, तो इस तरह पैकेट वाले गुलाब जामुन आप झटपट बना के तैयार कर सकते हो। यदि एक पैकेट से गुलाब जामुन यदि बनाना चाहे तो एक पैकेट में 20 से 25 फींच आराम से बन जाएंगे मीडियम साइज के, और बड़े बनाने चाहेंगे तो आपको 15 से 20 बनेंगे। तो यहाँ पे आधा गिलास दूध लिया है, ठंडा दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटा लगा लेंगे। आटा यहाँ पे लगा लिया, ज़्यादा आटे को मेले ना, और अब एक बर्तन से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट इस तरह छोड़ दे ढक के, जब तक बना लेंगे चाचनी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें डाल देंगे 1.5 कटोरी चीनी। गुलाब जामुन की जो चाचनी होती है थोड़ी एक्स्ट्रा बनानी होती है। डेढ़ कटोरी चीनी में यहाँ पे 1.25 कटोरी पानी डाला है, यानी 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, और आँच को चालू कर दे। इस तरह चलाते हुए इसकी चाशनी बना लेंगे। चीनी मेल्ट हो गई, चाशनी में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो गुलाब जामुन के अंदर इस इलायची पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको ज़रूर डालें। आपके पास केसर है तो वो भी डाल सकते हो, चाशनी के अंदर बहुत अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे चाशनी बिल्कुल तैयार होगी, देख सकते हैं। जैसे कि जो शहद होता है, शहद हल्का सा जो गाढ़ा हो जाता है, बस उसी तरह इसका हल्का सा तार बनना शुरू हो जाए, तब गैस की फ्लेम बंद कर दे, चाशनी को ठंडी कर ले, ज़्यादा गाढ़ी ना करे चाशनी को, इस चीज़ का ध्यान रखे। आटा यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट हो गई और सॉफ्ट हो गया आटा, एक दो बार इस तरह मसल लेंगे। और अब गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप घी या तेल थोड़ा सा लेके हाथों को इस तरह चिकना कर ले, और उसके बाद में गुलाब जामुन बनाए। तो हमें किशमिश गुलाब जामुन के अंदर डालेंगे, आप पिस्ता भी डाल सकते हो, इलायची भी डाल सकते हो, और जो ड्राई फ्रूट आपको बादाम है, काजू है, जो भी पसंद है, तो इस तरह कोई भी ड्राई फ्रूट इस तरह गुलाब जामुन के अंदर डाल के बना ले। चिकनी सी बोल बनानी है, बोल को बिल्कुल भी क्रेक नहीं छोड़नी है, और मीडियम साइज़ की बोल बना के तैयार कर ले। बहुत ही साइज इसका, जब इसको फ्राई करेंगे ना तो बड़ा बड़ा साइज हो जाएगा, तो मीडियम साइज़ की बोल बनाएं, ज़्यादा बड़ी ना बनाएं। यदि आप अकेले बना रहे हो तो जल्दी जल्दी इस तरह बना के कोई भी बर्तन में बनाते जाना है, और एक बर्तन में ढक के रख देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हवा लगती है, और हवा लगने के बाद हल्का सा ये ड्राई हो जाता है तो फटने लगता है। तो हम यहाँ पे गुलाब जामुन थोड़ी सी ज़्यादा बना रहे, और सहायता ली है किसी की। तो इस तरह यहाँ पे पहले से कढ़ाई में घी डाल के हमने रख दिया था गर्म करने के लिए, और अच्छे से यहाँ पे गर्म हो गया। तो ध्यान रहे एकदम ज़्यादा गर्म ना करें, हल्का सा जैसे कि बबुल आना शुरू हो जाए, घी या तेल आप जिसमें बनाएं उसी टाइम गुलाब जामुन डालें। यदि आप घी में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट बनेंगे, गुलाब जामुन टेस्टी बनती है। तो आज ये गुलाब जामुन हम घी में बना रहे, देख सकते हैं ये इसका कलर ऊपर आ गया, इसका साइज फूलने लग गई है, और हमारी जो कढ़ाई है वो स्टील की है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, हल्की सी जो टिक लग गई है इसमें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे गुलाब जामुन का देख सकते हैं साइज, हमने मीडियम में इसकी जो फींच बनाई थी गुलाब जामुन बनाई थी, मीडियम मीडियम बनाई थी, और यहाँ पे घी में डालने के बाद कितना बड़ा बड़ा इसका साइज फूल के तैयार हुई है ये। उलट पुलट यहाँ पे करते हुए देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको फ्राई कर लिया। आपको और डार्क कलर पसंद है तो 1 मिनट के लिए और फ्राई कर ले, हमको यहाँ पे लाइट पसंद ही चाहिए था तो हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। और अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे,
एक मिनट के लिए यहाँ पे इस प्लेट में यहाँ पे निकाल के रखे और उसके बाद में चाशनी में डाले। चाशनी ठंडी होगी, हमने पहले से ही ठंडी कर ली थी चाशनी को। या तो चाशनी ठंडी होनी चाहिए हमारी, या फिर गुलाब जामुन ठंडी होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ ठंडी कर ले, उसके बाद में डालें। गुलाब जामुन भी यहाँ पे कढ़ाई में से निकालने के 1 मिनट बाद में चाशनी के अंदर डाली है, और इस तरह सभी गुलाब जामुन चाशनी के अंदर डाल देंगे। और आधे घंटे के लिए चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को इस तरह छोड़ देंगे, आधे घंटे में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इतनी जल्दी बन जाती है ये। आधा घंटा हो गया, गुलाब जामुन देख सकते हैं बिल्कुल चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिए है, और एकदम रसीली रसीली गुलाब जामुन यहाँ पे बन गई। मन कर रहा है गुलाब जामुन अभी खा लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, इसका कलर चाशनी के जाने के बाद कितना अच्छा आया कलर भी। फाइनली हमने प्लेट में गुलाब जामुन को यहाँ पे डाल दी है, और ऊपर से थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाला है। आप यहाँ पे पिस्ता भी डाल सकते हो ऊपर से, और इलायची पाउडर यहाँ पे हमने अंदर नहीं डाला, कढ़ाई की जो चाशनी थी उसी के अंदर डाल दिया है। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। तो इस तरह आप कभी भी मीठा खाने का मन करे तो झटपट बना के गुलाब जामुन तैयार कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनी है ये, देखिए कट करके आपको दिखाई, बहुत ही रसीली जैसी बनी, एकदम स्पॉन्जी ये देख सकते। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।